कक्षा द्वितीय विषय संस्कृत प्रथम पाठ संज्ञापदानि भाग एक। सुप्रभातम्। आज हम पढ़ेंगे प्रथम पाठ संज्ञापदानि। संज्ञा, सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, व्यक्ति इसमें किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे राम, श्याम, राधा, मीरा और अपने घर के जो सदस्य, अपने सभी सदस्यों के नाम क्या है, संज्ञा है। और जो भी विद्यार्थी जो वीडियो देख रहे हैं वो सब क्या है, वो सब संज्ञा कहलाते हैं। अगला है वस्तु। ये सब निजी वस्तु जो अपने घरों के अंदर पाई जाती है, अपने घरों के आसपास पास जो भी वस्तु हमें दिखाई देती है वो सब निजी वस्तु है, वस्तु कहलाती है। जैसे अपने घर के ऊपर जो पंखा चलता है, टीवी है, कूलर है, और अपने हम जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं ट्रेन और बस है, हवाई जहाज है, वो सब क्या है, वो सब वस्तुओं के अंतर्गत आती है। अगला है स्थान। स्थान का सामान्य अर्थ है एक नित्य जगह। जैसे हम घर पर रहते हैं तो घर क्या है, नित्य जगह है, तो वो क्या है, स्थान। जैसे हम किसी को फोन पर बात करते हैं तो कहते हैं मैं कहां पर हूं, मैं जोधपुर। जोधपुर क्या है, जोधपुर एक स्थान का नाम है। ग्राम, ग्राम क्या है, एक स्थान का नाम है। जैसे आपका गांव का नाम है पालू, तो पालू क्या है, एक स्थान है। हमारा विद्यालय, विद्यालय कहां पर है, विद्यालय पालू में, आदर्श विद्या मंदिर, तो ये क्या है, एक निश्चित जगह पर है, तो ये क्या हुआ, एक स्थान का नाम हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। संज्ञा पदानी को हम तीन भागों में बांटते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग वे शब्द जिसमें पुरुष का बोध होता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, कर्ण और अपने घर के किसी भी पुरुष का नाम। पुल्लिंग शब्द में जानवरों के नाम भी आते हैं, जैसे गज, गज यानी हाथी। इसके अलावा और भी नाम है, जैसे वृषभ, वृषभ यानी बैल, अश्व, अश्व यानी घोड़ा। दूसरा है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जिसमें महिला का बोध होता हो, जैसे राधा, मीरा, अपने घर की सभी महिलाओं के नाम। और जानवरों में भी स्त्रीलिंग शब्द, जैसे महिषी, महिषी का अर्थ होता है भैंस, अजा, अजा यानी बकरी। नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग वे सब निर्जीव वस्तु है जिसमें किसी प्रकार का जीवन नहीं पाया जाता है, अपने घर की सभी वस्तु है, यातायात के साधन, कोई गांव का नाम, वो सब निर्जीव वस्तु है, नपुंसक लिंग कहलाती है। जैसे मंदिर, गांव, गांव एक स्थान है, वो भी एक निर्जीव वस्तु है। पुस्तक, पुस्तक क्या है, निर्जीव वस्तु है। इसके अलावा फिर घर के सभी सामान, जैसे पंखा, बाहर देखते हैं तो यातायात के साधन बस, ट्रैक्टर, इसके अलावा ट्रेन, हवाई जहाज, अपने घर की टेबल, कुर्सियां, टीवी, कूलर, ये सब निर्जीव वस्तु है, क्या कहलाती है, नपुंसक लिंग कहलाती है। अब हम चित्र के माध्यम से संज्ञा पदानी शब्दों का अभ्यास करेंगे। यह चार चित्र हैं। पहला चित्र है गणेश जी का, दूसरा है एक बालक, तीसरा है हाथी और चौथा चित्र है शेर का। पहला चित्र है गणेश जी का। गणेश जी को आपने कहीं देखा होगा, कहाँ पर देखा है, अपने घर के मंदिरों में देखा होगा, अपने घर की दीवारों पर पोस्टर चिपकाए हुए है, वहाँ पर गणेश जी का चित्र लगा हुआ है, वहाँ पर देखते हो। तो गणेश जी को संस्कृत में क्या कहते हैं, गणेशः। क्या कहते हैं, गणेशः। उसी प्रकार अगला चित्र है, यह एक बालक का चित्र है। बालक को संस्कृत में क्या कहते हैं, बालकः। क्या कहते हैं, बालकः। और तीसरा चित्र है हाथी। हाथी जिसके दो बड़े बड़े दांत होते हैं और दिखने में मोटा होता है, इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, गजः। गजः यानी हाथी। और चौथा चित्र है शेर। शेर जिसे जंगल का राजा कहते हैं, उसके बहुत बड़े बड़े बाल, तो इसे संस्कृत में
क्या कहते हैं? सिंह। क्या कहते हैं? सिंह। ये चारों शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। अगले चित्र हैं, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो पहला चित्र है सरस्वती माँ का, दूसरा है एक बालिका का, तीसरा है बकरी का और चौथा चित्र है महिषी, महिषी यानी भैंस। तो पहला चित्र किसका है? माँ सरस्वती जिसके हाथों में वीणा है, विद्या की देवी जिसको हम कहते हैं। तो इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? शारदा। क्या कहते हैं? शारदा। और दूसरा चित्र है एक बालिका का, तो बालिका को संस्कृत में बालिका कहते हैं। और तीसरा चित्र है बकरी, बकरी को संस्कृत में क्या कहते हैं? अजा। क्या कहते हैं? अजा। और चौथा चित्र है भैंस, भैंस को हम कहते हैं महिषी, महिषी यानी भैंस। यह चारों शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला चित्र है पुस्तक, पुष्प, फल और बॉल। पुस्तक को संस्कृत में कहते हैं पुस्तकम। क्या कहते हैं? पुस्तकम। पुष्प को पुष्पम, फल को फलम, बॉल को कंदुकम। बॉल को क्या कहते हैं? कंदुकम। कंदुकम यानी बॉल। प्रकार आज हमने प्रथम पाठ के संज्ञा पदों के बारे में अध्ययन किया, चित्रों के माध्यम से भी आपको अध्ययन करवाया। आपको इस वीडियो को बार बार देखना है और उसका बार बार इसका अभ्यास करना है। अब आगे आपको गृह कार्य दिया जाएगा और आपको शब्दार्थ लिखवाए जाएंगे, वह आपको अपनी कॉपी में करना है। शब्दार्थ गणेशः, गणेश, बालकः, बालक, गजः, गजः यानी हाथी, सिंह यानी शेर, शारदा यानी सरस्वती, बालिका, बालिका का अर्थ बालिका ही होता है, अजा बकरी, महिषी भैंस, पुस्तकम यानी पुस्तक, पुष्पम पुष्प, फलम फल, कंदुकम बॉल। कंदुकम यानी क्या होता है? बॉल। यह सभी शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आज का गृह कार्य, कोई भी तीन तीन स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग शब्द लिखिए। तीन स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं, तीन पुल्लिंग शब्द लिखने हैं और तीन नपुंसक लिंग शब्द लिखने हैं। धन्यवाद।